मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? क्या बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? क्या अध्यापक रोज विद्यालय में पढ़ाने आ रहे हैं? और विद्यालय में खाने पीने, शौचालय व स्वच्छता को लेकर क्या स्थिति है? इसकी जांच पड़ताल हमारे संवाददाता हरिओम ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुन्नापुर टाणा पीलीभीत में जाकर की। अब देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। ऐसे ही अन्य सरकारी स्कूलों की जांच पड़ताल देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें दर्शक 24। शहर से दूर गांव की तरफ आए हुए हैं पुन्नापुर टांडा पीलीभीत जिला। देखिए स्कूल के बाहर ही किस तरह से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। चलिए अंदर देखते हैं किस तरह से क्लासें ली जा रही हैं, पढ़ाई हो रही है या नहीं, इसके बारे में अंदर चल के देख रहे हैं। पढ़ाई चल रही है, बच्चों के क्लास धूप में लगी हुई है। आप देख सकते हैं बच्चों की क्लासें धूप में लगी हुई हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई हो रही है, पहुँच रहे हैं क्लास में, धूप में लगी हुई है, ठंड ज्यादा होने की वजह से बच्चों को धूप में बैठाया गया। गुड मॉर्निंग, क्लास 7th है। आपका नाम सर? जी मेरा नाम रजनीकांत। किस पद पर हैं आप यहाँ? मैं यहाँ सहायक अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। क्या पढ़ रहे हो आज? मैथ पढ़ रहे हो। आपके मुख्यमंत्री कौन है पता है? कौन? ठीक भाई, वेरी गुड। खाना मिलता है? और सर आप लिखिए जरा, खाना मिलता है? मिलता है। क्या पढ़ रहे हो आज? मैथ। अपनी गाड़ी आपको ये पता है आपके जो मुख्यमंत्री है कौन है? मैंने बताया आपको पता है? हाँ सर। और कौन सी क्लास है? आपके सर क्या नाम है उनका? रोज क्लास अटेंड करते हो? जी। खाना मिलता है? जी। ड्रेस जी आप अपनी पहन के आए हो स्कूल से नहीं मिली? जी मिली है। आपको ये पता है कि आपके राज्यपाल कौन है? राम नायक। पक्का? जी है। चलो ठीक, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? स्कूल क्या नाम बताओ? पुन्नापुर टंडा। यहीं से? पुन्नापुर से हो? खाना मिलता है रोज? संडे मंडे ट्यूसडे आता है आपको? ABCD संडे कैसे लिखा जाएगा? तेज हो पढ़ने में, फिर तो बैठ जाओ। हाँ बेटा, क्या क्या आता है तुम्हें? सब आता है। स्कूल रोज जाती हो? खाना मिलता है? ड्रेस? खाना रोज मिलता है या आज ही मिला? रोज मिलता है। आज क्या बनेगा? तहरी। पीली वाली, सफेद वाली? भितोरिया से। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? धर्मपाल वर्मा जी आपके प्रधान है। पता है आपको? और कोई है पता है? सर आप किस जगह पर किस पद पर हैं? मैं प्रधान अध्यापक राम गोपाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुन्नापुर टांडा में कार्यरत हूँ। सर आपके स्कूल में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं? हमारे स्कूल में एक सहायक टीचर, 3 अध्यापक हैं, हमारे समेत 5 लोग हैं और 3 रसोइया हैं कार्यरत। इसके अलावा किचन और शौचालय निर्माणाधीन है, वो लगभग बन चुका है। 5 लोग उपस्थित हैं? जी 5 लोग उपस्थित हैं। और सर आपके यहाँ बच्चों के खेलने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? बच्चों के लिए खेलने की गेंद है, बाल है और क्या नाम दो ये सर जी, आपके बाहर जो हम निकल के आए गेट से, वहाँ पे कचरा लगा हुआ है, कूड़ा इकट्ठा हुआ है, इसके बारे में सर आप किस तरह से अंदर आते हैं, बच्चे किस तरह पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? इस संबंध में कई बार प्रधान जी से कहा है कि रास्ता बनवा दें, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसे जल्द ही बनवा देंगे। हालांकि रास्ता गंदा है, सही नहीं है, और प्रधान जी से इस संबंध में बात हुई है तो बोले हम बनवा देंगे। और सर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्या है? लाइट की व्यवस्था है, इसमें थोड़ा तार का टूटा हुआ है, तुलवा देंगे। और पंखे वगैरह हैं? पंखे हैं
इसमें लाइट चल नहीं रही। हाँ, इसमें लाइट नहीं चल रही। देखते हैं यहाँ पर रसोइयों का क्या हाल है, रसोई घर है यहाँ पे, देखते हैं। दिखाई यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है। माता जी गैस से खाना बनाते हो आप? चूल्हा क्यों लगा रखा है फिर यहाँ? चूल्हा कभी कभार जैसे चूल्हा नहीं कब जलाते हो? खाना रोज बनाते हो? आज क्या बन रहा है? पीली सफेद आलू पड़के। बाथरूम की बहुत ही स्वच्छता पाई गई है यहाँ पे, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से है व्यवस्थित स्वच्छता स्वच्छता पाई गई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को